धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि आदिवासी धर्म को हिंदू धर्म से अलग दर्शाया जाना चाहिए। गोगरा का कहना यह कि उनकी संस्कृति, परंपरा और खान पान के तौर तरीके जो हैं वो अलग हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी उन्हें आदिवासी नहीं बल्कि हिंदू बताते हैं। गोगरा ने यह भी कहा कि आदिवासी संस्कृति हिंदू संस्कृति से कहीं मिलती जुलती नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये कहा कि आदिवासी समाज में मौत परण अलग है, प्रथा अलग है। प्राचीन काल में आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि वो अर्जुन से आगे निकल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की सोच थी कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। आज भी मैं सभापति महोदय जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी हर विभाग में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, ऐसे एकलव्य को आगे नहीं आना देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है एसटीएससी के साथ? आज भी भेदभाव हो रहा है। आज भी हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आज भी वहां पर खाट पे बैठने का अधिकार नहीं है। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं, वहां नाम मात्र के प्रधान हैं, कोई नाम मात्र के सरपंच हैं, वहां उप सरपंच चलाता है, उप प्रधान चलाता है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी नहीं, हम हिंदू है। यू कहने हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो, जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना हमारे थोपो मत, आप हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत।